नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी जेई का जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, हर जोन का जोन वाइज आरआरबी जो भी जोन है उसका एडमिट कार्ड जारी हो रहा है। डेली अपडेट किया जा रहा है, हर दिन अपडेट किया जा रहा है। जिनका एग्ज़ाम 22, 20, 23, 24, 25, 25 के अंदर में यानी कि 25 मई से पहले जिनका भी एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन जो आया हुआ है, आपको पता होगा सिटी एग्जामिनेशन जो दिखा रहा है, एग्ज़ाम सिटी, डेट, शिफ्ट और कहाँ पे आपका एग्ज़ाम पड़ा है, वो जो आरआरबी डेट सिटी इंटीमेशन का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो शो हो रहा है। देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको क्लियरली दिख रहा होगा लिखा हुआ, ये किस जोन का है दोस्तों, जम्मू का है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, जम्मू। ठीक है दोस्तों, ये जम्मू का है। और एडमिट कार्ड कब आपको डाउनलोड करना होगा, ये अभी आपको सिटी बताया जाएगा कि किस सिटी में आपका एग्ज़ाम होगा, कौन से शिफ्ट में होगा और किस डेट में होगा। तीन चीज़ अभी क्लियर हो जा रहा है कि किस सिटी में होगा, कौन से डेट में होगा और किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। आरआरबी जेई का, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर का, जिन्होंने फॉर्म भरा है, सभी जोनों का एग्ज़ाम सिटी, एग्ज़ाम डेट और शिफ्ट पता चल रहा है अभी फिलहाल में। और जो आपका एग्ज़ाम डेट होगा उसके 4 दिन पहले आपका ठीक एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आप 4 दिन पहले से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी नई सूचना आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर लिखा गया है आरआरबी रिक्वायरमेंट ऑफ जेई, जेई आई टी, डी एम एस एंड सी एम ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओपन हुआ है अप्लीकेशन डिटेल, रजिस्ट्रेशन नंबर इनका ये है, यहाँ पे नाम जो कि मैं हिडन करके रखा हूँ, डेट ऑफ बर्थ जो कि हिडन कर दिया हूँ, क्योंकि ये सब दोस्तों देखिए सीक्रेट होता है, ये कहीं शेयर नहीं किया जाता, पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता हूँ मैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख दिया गया रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको ये दिखाया देगा अगर आपने फॉर्म भरा है आरआरबी जेई का। अगर आप अपना एग्ज़ाम सिटी देखना चाहते हैं, डेट देखना चाहते हैं, एग्ज़ाम डेट और शिफ्ट, तो आप ओपन कर सकते हैं। आप आरआरबी अपना ओपन करके उसमें अपना रोल, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा एग्जाम सिटी, डेट और शिफ्टिंग। चलिए देख लेता हूं मैं, अब जम्मू कश्मीर का भी जारी हो चुका है। अभी तक बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर जम्मू कश्मीर का आएगा कि नहीं आएगा, अभी आया है कि नहीं, फिलहाल में किसी बच्चे का आपके पास कोई लिस्ट है, अगर कोई एडमिट कार्ड सॉरी कोई मतलब नोटिफिकेशन डाउनलोड कोई किए हैं, अगर पता होगा तो आप अपलोड कीजिए, उसके बारे में बताइए कि एग्ज़ाम जो होगा, जो आपने आरआरबी जो आपने आरआरबी जोन चूज किया है उसी में एग्ज़ाम देना होगा, सीबीटी वन का या फिर दूसरे स्टेट या फिर दूसरे सिटी में एग्ज़ाम हो रहा है। तो देखिए दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, आप कहीं भी चुनाव किए हैं आरआरबी जोन का, कोई भी आरआरबी जोन चुने हैं, आपका एग्ज़ाम कहीं भी हो सकता है। आरआरबी अपने मुताबिक एग्ज़ाम सेंटर दे रहा है, जिस स्टेट में आप चुने हैं आरआरबी बोर्ड उस स्टेट में भी नहीं होगा, कोई ये कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि एग्ज़ाम आपका कहाँ होगा, जब आपका दिखाएगा तो ही आपको पता चलेगा। लेकिन ये पता चल रहा है कि जिस बोर्ड में आप चुने हैं जरूरी नहीं उसी में एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है, देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा ये जम्मू कश्मीर का है और क्या इनका एग्ज़ाम सीट, देखिए टेस्ट स्टेट लिखा है बिहार, ठीक है, और टेस्ट सिटी लिखा है पटना। ठीक है दोस्तों, इनका एग्ज़ाम कहाँ पे है, बिहार में है, पटना सिटी में इनका एग्ज़ाम है। कितने तारीख को है, देखिए यहाँ पे लिखा गया क्लियरली डेट ऑफ एग्ज़ाम 24/5/2019। ठीक है दोस्तों, देखिए 24 मई 2019 को इनका एग्ज़ाम है। ठीक है, इनका जो जिनका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है इनका 24/5/2019 को एग्ज़ाम है। शिफ्ट कौन सा है, तो 3 है। ठीक है, 3 शिफ्टी में एग्ज़ाम होता है, सभी एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में होते हैं, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट। फर्स्ट वाला सुबह में होता है, सेकंड वाला दोपहर में और थर्ड शिफ्ट शाम में होता है, 4 से 5 बजे करीब में ये एग्ज़ाम शुरू होते हैं थर्ड शिफ्ट वाले। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये भी लिख दिया गया है, रिपोर्टिंग टाइम दे दिया गया है 14:15 पर, यानी कि 2:15 पर आपको पहुँचना होगा PM, दोपहर में 2:15 पर आपका क्या है रिपोर्टिंग टाइम है। और यहाँ पे देखिए ये दिया गया है गेट क्लोजिंग क्लोजर टाइम 15:15 पे, यहाँ पे गेट क्लोजर टाइम दिया गया है 15:15, यानी कि 3:15 पे आपका गेट क्लोज हो जाएगा, इसके पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पहुँचना अनिवार्य है। उसके बाद लिखा हुआ देखिए दिख रहा होगा आपको, एग्ज़ाम स्टार्ट टाइम 16:00 से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा आपका, कितने बजे से दोस्तों, 4 बजे से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 बजे से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होगा और ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम क्या है, 90 मिनट का है। देखिए यहाँ पे लास्ट में जो लिखा गया है
देख सकते हैं यहाँ पे 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा। क्लियरली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 90 मिनट का एग्ज़ाम लिखा गया, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम। तो ये पूरा डिटेल रहा दोस्तों। आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है, मॉक टेस्ट। इस आरआरबी का, आरआरबी जेई का एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या पैटर्न रहेगा, उसके लिए आरआरबी ने आपको मॉक टेस्ट दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको क्लियरली लिखा हुआ दिख रहा होगा, मॉक टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो मॉक टेस्ट आप देख के देख सकते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्या लेवल रहेगा आरआरबी में। ठीक है, रीजनिंग रहेगा, मैथ्स रहेगा, ठीक है, जीके जीएस रहेगा, जीके जीएस रहेगा और आपके करंट अफेयर रहेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में आरआरबी जेई के। तो ठीक है दोस्तों, ये पूरी नोटिफिकेशन रही एग्ज़ाम इंटीमेशन का, जो कि अभी डाउनलोड हो रहा है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर का भी आ चुका है, मैंने आपको बता दिया हर एक डिटेल। सभी जोन का धीरे धीरे आ रहा है, जिनका एग्ज़ाम 25 मई से पहले है उनका अभी डाउनलोड हो जा रहा है, जिनका एग्ज़ाम 25 मई के बाद है उनका अभी एग्ज़ाम सिटी एग्ज़ाम डेट और शिफ्ट डाउनलोड नहीं हो रहा है। उनका लिखा हुआ आएगा योर एग्ज़ाम इंटीमेशन इज शॉर्टली प्रोवाइडेड। ठीक है, आप ओपन करके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।